सम्मेलन के लिए जा रहे यात्री सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। बताया जा रहा है कि भगवंतपुरा से राधोगढ़ सम्मेलन में जाते समय यह हादसा घटित हुआ। घायल सभी लोग ऑटो में सवार थे। वहीं रास्ते में ऑटो और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं हुजूर खान नामा के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में घायल लोगों को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। हादसे में घायल लोग जब जिला चिकित्सालय पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों का अलग ही रवैया देखने को मिला। साथ ही यह भी देखने को मिला कि अस्पताल में घायलों के आने की सूचना मिलने के बाद भी कोई तैयारी नहीं की गई थी। यहां तक कि ड्रेसिंग रूमों का ताला भी नहीं खोला गया था। मीडिया के लोगों ने ही यहां पर ताला खुलवाया। यहां सोचने वाली बात एक ये भी है कि ऑटो में दर्जन भर से ज्यादा लोग कैसे सवारी कर रहे थे। अब देखने लायक होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। साथ ही साथ सड़क हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया है। बोलो बोलो कुछ नहीं बेटा, अंदर ले लो इनको, अंदर ले लो, इनका ट्रीटमेंट कर लो, इंजेक्शन वगैरह लगने दो इनको। ये ट्रैक्टर आ रहा था और ये बारात जा रही थी रावगढ़। कहाँ से? भगवंतपुर गांव से जा रही थी रावगढ़ सम्मेलन में। ट्रैक्टर वाला रावगढ़ साइड से आ रहा था, वो उसने साइड में से ट्रैक्टर मारा तो गाड़ी पलट गई। कौन सी गाड़ी थी आपकी? गाड़ी था 3 पहिए का ऑटो, छोटा हाथी। तो करीबन कितने लोग थे उसमें? करीबन उसमें थे 22 लोग थे साहब। तो उसमें कितने लोगों को गंभीर चोट आई? सबकी चोट आई है साहब, और एक साहब उसमें खत्म भी हो गया। क्या नाम है उनका? उनका जऊर भाई नाम है। जऊर, पूरा नाम? जऊर मियां। हाँ, और कितने साल के थे वो? लगभग लगभग उम्र थी 50 वर्ष। गुना कितने लोगों को रेफर किया गया? गुना साहब अभी तो 4 लोग आए और गाड़ी लेके आ रही है उनको। इसमें ज़्यादा गंभीर हैं? ज़्यादा गंभीर एक दाऊद है मेरा लड़का सलीम का, और एक जामीन है, एक आयास है। और ट्रैक्टर वाला कहाँ गया फिर? ट्रैक्टर वाला साहब भग गया, जो सब लोग दब गए थे नीचे, हाँ कोई था नहीं मौके घटना पे, ये भग गए। किस जगह पे घटना हुई थी ये? जो हुई थी सैरोक के पास झांझोन है, वहाँ पर घटना हुई है, जिसके बाद 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई 108। आर ऑन से ग्राउंड रिपोर्टर मिथुन शर्मा की रिपोर्ट।